Fine. So we'll start with the four parts. Overview of the exams, what is coming, what is not coming, how to prepare, what to prepare, what are the cutoffs. Everything will be covered in the first part, which is the overall. Then I'll go section by section, maths, verbal, logic. Fine. So that is going to be the target of the workshop today. Okay. So we're not going into the depth of every topic. आज मेरे क्लास के वर्कशॉप के बाद ये मत बोलना कि आपने मैथ्स कम कराया ये कम कराया ठीक है सो आज वो नहीं करने वाला ऑब्जेक्टिव इज ओवरव्यू ओवरऑल फाइन सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एन मैट नरसिम्हन जी एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम ठीक है सो दैट्स योर एग्जाम दिस ऑल दिस क्वेश्चन विच हैव टेकन आर सैम्पल क्वेश्चन विच आर नॉट टेकन फ्रॉम द एक्चुअल एग्जाम्स ऑलराइट सो द फर्स्ट पार्ट इज द ओवरव्यू विच टॉक्स अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द एन मैट व्हाट इज देयर व्हाट इज नॉट Fine, so this is your section. There will be 40 questions from the logic section overview. Fine, don't worry about the detailed part. I'll talk about this one by one. Logic 40 questions. Time is 40 minutes. So it's a timed paper. Every section will have a timer. Okay. 40 questions or 40 minutes. So 1 minute per question. Okay. Then is a quant ka section. 48 questions, 60 minutes. Ek ghante ka time, 48 questions. एंड देन लास्ट में सबसे प्यारा सेक्शन वर्बल सेक्शन 22 मिनट्स फॉर 32 क्वेश्चंस ये सबसे प्यारा क्यों बिकॉज टाइमर नहीं है इसमें देयर इज नो टाइम सो इंजीनियर्स विल एंजॉय दिस सेक्शन बिकॉज कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा फाइन सो द ब्यूटी ऑफ द एनमैट वर्बल सेक्शन इज टाइमर टाइम इज लेस फाइन सो दिस इज योर 3 सेक्शन ओवरव्यू एंड द मोमेंट यू स्टार्ट योर पेपर यू विल गेट अ 6 ऑप्शंस के यू वांट टू स्टार्ट विद क्वांट वर्बल लॉजिक You want to start with first logic, then quant, then verbal, or whichever section. They'll give you all the six combinations. Yeah, three people can interchange in factorial 3 ways, so 6 combinations. So they'll give you all 6 combinations. You select your order. Fine. But normally the order should be first quant, then verbal, and then logic. Okay. After the end of 1 hour, second hour, you'll be tired. जब तुम थक जाओगे तो मैथ्स या ना कर पाओ लेकिन लॉजिक यू विल एंजॉय बिकॉज लॉजिक ऐसा टॉपिक है दैट यू कैन इवन स्टडी व्हेन यू आर नॉट इन द मूड टू स्टडी फाइन सो कीप लॉजिक फॉर द एंड इनफैक्ट योर मॉक्स आर आल्सो डिजाइंड इन अ फिक्स पैटर्न ऑफ दिस वे सो बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल योर मॉक स्ट्रेटजी ठीक है सो टुडे विल टॉक अबाउट द मॉक स्ट्रेटजी एज वेल ऑल दिस विल बी कवर्ड टुडे फाइन सो ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड अस ठीक है सो टुडे द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 20 मार्क्स विदाउट Provided you follow what I said, ठीक है तो आज का ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल टू इंक्रीज योर स्कोर बाई 20 मार्क्स एन मैट में आपका जितना भी स्कोर आने वाला था आफ्टर दिस 2 आवर्स वर्कशॉप यू विल बी स्कोरिंग प्लस 20 मार्क्स प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई ठीक है ऑलराइट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एन मैट केस 1 ठीक है स्टूडेंट नंबर 1 फर्स्ट स्टूडेंट वेंट फॉर द एग्जाम आउट ऑफ 48 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन फ्रॉम DI क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 तक फर्स्ट 26 क्वेश्चन वर DI उसके बाद यू डिड स्टार्ट द मैथ्स फाइन केस नंबर 2 सेकंड स्टूडेंट गॉट इनपुट आउटपुट का 16 क्वेश्चन बैक टू बैक फाइन थर्ड स्टूडेंट गॉट डेटा सफिशिएंसी का 17 क्वेश्चन फाइन व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम यू अगर इफ आई टॉक अबाउट क्वांट का एग्जाम आउट ऑफ 48 क्वेश्चन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मे बी अराउंड 30 क्वेश्चन विल बी फॉर मैथ्स 15 क्वेश्चन फ्रॉम DI एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम DF दैट्स अ टिपिकल पैटर्न फॉर ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम लेकिन यहाँ पे सीधा 26 क्वेश्चन DI का आ गया वो बैक टू बैक एंड यू माइट फील कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है ठीक है वो अंतिम अंदर से आवाज आएगा देयर समथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर आज मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया व्हाट दे आर डूइंग दे ट्राई टू पुट यू अंडर प्रेशर बाय गिविंग यू वन टॉपिक का 16 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बैक टू बैक फाइन देयर वाज अ केस 4 एज वेल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10 क्वेश्चन बैक टू बैक फाइन सो बेसिकली यू कांट लीव एनी टॉपिक सब कुछ करने क्योंकि अगर तुम्हारी किस्मत पांडू निकली और वही टॉपिक आ गया जो तुम छोड़ के गए थे तो क्या फिर तुम्हारा चलेगा तो यू कांट लीव एनी टॉपिक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनमेट कैट में क्या है कि इवन इफ यू आर एबल टू कवर अ फ्यू टॉपिक्स यू कैन पास द एग्जाम एनमेट में यू कैन नॉट डू दैट फाइन दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ एनमेट फाइन इफ आई कंपेयर कैट वर्सेज एनमेट एनमेट एंड CET बोथ हैव द सेम थिंग That CAT में there are fixed question. For example, in quant का section, if you do geometry, if you do permutation combination, function graph, you will be done with your cutoff. तुम कट ऑफ पार कर लोगे ठीक है NMAT CET में you have to do every topic. ठीक है CAT में logic के नाम पर the only thing which is coming is puzzles. In CAT. ठीक है
ठीक है, एनमेट में पजल्स के साथ साथ बाकी सब कुछ आएगा. आर गेटिंग मी? सो वी कांट लीव एनी टॉप, देयर नो वन पोर्शन विच इज ऑलवेज हैवी ऑन द एग्जाम फ्रंट. ठीक है, चलेगा. ऑलराइट, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज देयर नो फिक्स्ड पैटर्न. सेकंड प्रॉब्लम इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम यू आर गोइंग टू टेक. फाइन, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट एनमेट का क्वांट का सेक्शन, आउट ऑफ 48 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी ऑफ द कैट लेवल एंड 24 क्वेश्चन गोइंग टू बी ऑफ द सीट लेवल. फाइन, एंड टाइम इज हाफ देन कैट, सो इट मेक्स दिस एग्जाम द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम. इफ आई लुक एट द टाइम अवेलेबिलिटी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द लेवल ऑफ अ क्वेश्चन. आर गेटिंग मी? सो इफ आई लुक एट द डिफिकल्ट भी है और टाइम भी कम है, तो इट बिकम मोर टफ. ठीक है, और कट ऑफ भी आपको हाई. ऑलराइट, ऑलराइट, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अस फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम एंड फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम, एंड गो टू cetking.com फॉर मोर डिटेल्स. Yep, you can join us for the mock series, you can join us for the shortcut workshops for NMAT exam. Yep, all the best.